आप सभी को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ साथियों आप सब अच्छे होंगे और आपके मंगल स्वास्थ्य की कामना करते हुए आज एक और मेडिसिनल प्लांट की चर्चा करेंगे। हिंदी में तो हम इसको बेशरम कहते हैं, शायद इसलिए कहते हैं कि ये वीड प्लांट है और वाटर बॉडीज़ के नज़दीक आसानी से देखने को मिलता है और ये अपने आप बढ़ता रहता है, किसी केयर की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी रूट्स फैलती जाती हैं और काफ़ी आसानी से ये बढ़ता जाता है। जीव जंतु पशु पक्षी सभी के लिए अच्छा आवास प्रदान करने वाला। आप देख पा रहे होंगे गिरगिट किस प्रकार से इसके यहाँ बैठा है और विश्राम कर रहा है। इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते क्योंकि जीव जंतु हैं, रेप्टाइल्स हैं, इनका अपना एक विश्राम करने का समय होता है। मित्रों, इस प्लांट के औषधीय गुण जितने भी चर्चा में लाए जाएं उतने ही कम होते हैं। साथियों, सुंदर इसके आप फूल देख रहे होंगे, गुलाबी इसके फूल हैं, मॉर्निंग ग्लोरी भी कहते हैं। सुबह सुबह ये खिल जाते हैं और जैसे जैसे धूप बढ़ती जाती है ये मुरझाना स्टार्ट कर देते हैं। साथियों, इसके फूल आप इकट्ठा कर लीजिए और फूल से इनके आप एंथर्स को निकाल दीजिए और निकालने के बाद इसका आप इन्फ्यूज़न तैयार कर लीजिए। 200 मिलीलीटर पानी को अच्छे से गर्म कर लें और उसमें करीब 20 ग्राम फूल डाल दीजिए, इसको कलेक्ट करके, और ठंडा होने के लिए रख दीजिए। ठंडा होने के बाद छान कर आप इसको ग्लास के कंटेनर में भर लीजिए, दिन में एक बार आप इसको पी लीजिए। आप देखेंगे कि एक हफ्ते के अंदर कई प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथियों, बार बार होने वाला जो बुखार होता है जिसको हम रेमिटेंट फीवर कहते हैं, ये पित्त प्रकृति के डिस्टर्ब होने के कारण ऐसा हो जाता है। कई बार पित्त और वात की जॉइंट अगर प्रॉब्लम होती है तो बड़े कष्टदायक रोग भी हो जाते हैं, जिसमें से मेनिनजाइटिस, जिसमें कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ स्वेलिंग आ जाती है, हाइड्रोस्फेलस कंडीशन, जिसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन के अंदर बढ़ जाता है, और इस प्रकार से बच्चों की अवस्था में ये ज़्यादा होने का चांस रहता है। 15 साल तक के बच्चों में ज़्यादा होने की संभावना रहती है, मेनिनजाइटिस होना या हाइड्रोस्फेलिस होना। इस प्रकार की अगर समस्याएं हैं तो आप इसको इन्फ्यूज़न बनाकर इसके फूल का सेवन करा सकते हैं। साथियों, इन्फ्यूज़न को आप दिन में एक बार बना लीजिए और पूरे दिन में यानी कि 24 घंटे उसको आप उपयोग में ला सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके भी पी सकते हैं और अगर आप पेट खाली है तो एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, प्रभाव अच्छा आता है, तो आप इसको दिन में 2 से 3 बार फ्रेगमेंट में भी पी सकते हैं, एक बार भी पी सकते हैं। छोटे बच्चे के लिए तो एक साथ पीना आसान नहीं होता है, तो फ्रेगमेंट में आप इसको पी सकते हैं। मित्रों, अगर सोरियसिस का या एक्जिमा का इचिंग हो रहा है तो आप देखेंगे कि इसके अंदर दूध निकलता है और इस दूध को आप लगा दीजिए तो देखेंगे कि होने वाली जो सोरियसिस के पेशेंट में जो खुजली होती है वो ठीक हो जाती है और वाउंड के हील करने में भी सहायक होता है। कई बार मित्रों घावों में पस पड़ जाती है, कीड़े लग जाते हैं, उसमें भी आप इसको भर सकते हैं, सभी प्रकार के घाव को भरने वाला होता है। इसके पुष्प का पेस्ट बनाकर आप स्किन पे लगाते हैं तो एंटी रिंकल एक्टिविटी इसके पुष्प की होती है, और इसका आप अगर पत्र का और फूल का काढ़ा बनाकर सेवन करते हैं मित्रों तो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को ठीक करने का कार्य करता है। मेंस्ट्रुएशन के समय जो पेट में दर्द होता है, पीड़ा होती है, खिंचाव होता है, पेन होता है, उस सब को ठीक करने का ही कार्य करता है। हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का कार्य करता है और बांझपन की समस्या को भी दूर करने का कार्य करता है। मेंस्ट्रुएशन को ये इंड्यूस भी करता है, कई बार पीरियड असमय से आना या कम आना, तो ऐसी अगर समस्या है उसको भी ठीक करने का कार्य करता है। फर्टिलिटी को धीरे धीरे ये बढ़ाता है, गर्भाशय का शोधन भी करने में विशेष सहायक होता है। कन्वोल्वुलेसी कुल का ये प्लांट है, कल्टीवेशन के लिए ज़्यादा एफर्ट्स करने की आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से इसको कल्टीवेटेड अवस्था में कहीं भी वाटर बॉडीज़ के नज़दीक देखने को आपको मिलेगा। बस आपको इसको सही से आइडेंटिफाई करके और दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। मित्रों, जनरल बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने का भी कार्य करता है,
आप इसका डिकॉक्शन पीजिए, आप इसका इन्फ्यूज़न का सेवन कीजिए, इसके फ्लावर्स का इन्फ्यूज़न का सेवन कीजिए। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स को ठीक करता है, लिपिड प्रोफाइल को बैलेंस रखने का कार्य करता है, और मित्रों इसका इन्फ्यूज़न सेफेस्ट इम्यूनो मॉड्यूलेटर भी है। इम्यूनो मॉड्यूलेटर के साथ साथ मित्रों HIV का अगर कोई पेशेंट है, इम्यूनिटी पूरी तरह से कम्प्रोमाइज़ हो जाती है, फीवर रहता है, जॉइंट पेन रहता है, बाल उड़ जाते हैं, ऐसी कई प्रकार की जब कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, तो इसके लिए कितने प्रकार के आप एंटीबायोटिक या पेन किलर ले सकते हैं संभव नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इम्यूनिटी बहुत कम्प्रोमाइज हो चुकी है। तो इम्यूनो मॉड्यूलेटर का कार्य करता है इम्यूनिटी कम्प्रोमाइजिंग जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो HIV का डिसऑर्डर हो या न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हो, उन सबको ठीक करने का कार्य करता है। फ्री रेडिकल स्क्रैंजिंग एक्टिविटी भी इसकी होती है। वास्ट थेरापेटिक एप्लीकेशन इस प्लांट के हैं। मैं समझता हूँ क्रोनिक डिसऑर्डर्स, पित्त जनित जितने भी हैं, इन सब में सबसे अच्छा कार्य करने वाला ये प्लांट है। फ्लावर्स का इन्फ्यूज़न पीजिए, पत्र और फ्लावर्स दोनों मिल जाएं तो इसका डिकॉक्शन बनाकर सेवन कीजिए। मित्रों घंटी फूल भी इसको कहते हैं, हालांकि घंटी फूल कई फ्लावर्स को कहा जाता है क्योंकि इसके फूल घंटी जैसे होते हैं, तो घंटी फूल भी कहते हैं। ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन है ये, और कई प्रकार की बीमारियों का आसान इलाज है। और मित्रों पुराने ज़माने में जब असाध्य रोग हो जाते थे या फिर हमें पता नहीं होता था किस कारण से ये बीमारी हो रही है, फिर भी इसका उपचार देना स्टार्ट कर देते थे, और धीरे धीरे इम्यूनिटी बढ़ने से रोगी की जो रोग की अवस्था है पूरी तरह से ठीक हो जाती थी। तो आप इस प्लांट को अपने स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए उपयोग में लाइए। प्रकृति से आप कनेक्ट रहेंगे तो बीमारियों से दूर रहेंगे। आसपास के पेड़ पौधे वनस्पतियों को अच्छे से देखना चाहिए, पहचानना चाहिए, और अच्छे स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए इनको उपयोग में लाना चाहिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ कल सुबह 6:30 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। क्वेरीज करने के लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, टेलीफोन से भी संवाद कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे निरंतर जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि नित्य आने वाली जानकारी, वीडियो, सूचना और आपके हेल्थ अपडेट्स आपको मिलते रहें। बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार।